नमस्कार सर जस्ट वेलकम बैक टू माय टू चैनल लखा डिफेंस करियर। दोस्तों इस वीडियो पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा आपका कोस्ट गार्ड की एग्जाम सेंटर पर। जी हाँ दोस्तों, मैं सारे डॉक्यूमेंट बताऊंगा, आप सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके ही जाइए दोस्तों एग्जाम सेंटर पर, नहीं तो आपको बाद में परेशानी हो सकता है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आइए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपका दोस्तों एडमिट कार्ड है। जी हाँ दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड एग्जाम से 3 डे पहले ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट पर। आप लॉग इन करके आपके डैशबोर्ड से आपको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और डाउनलोड करके उसका वन पीस दोस्तों आपका कलर प्रिंट कर देना चाहिए, और उसके साथ तो आपको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको वन पीस उसका जेरेस भी ले सकते हैं दोस्तों, वो बाद में आपका डेफिनेटली हेल्पफुल होगा दोस्तों। और उसके साथ अगर आईडी प्रूफ आप ले सकते हैं दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आईडी प्रूफ यानी आपको फॉर्म फिलअप टाइम जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे वो ही आपको ले जाना चाहिए दोस्तों। अगर आपको आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड दिए थे तो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड ले सकते हैं। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे नहीं है तो आपको 10+2 की 10th या फिर 10+2 की मार्कशीट आपको ले सकते हैं दोस्तों, ये आपको हेल्पफुल होगा। और दोस्तों ओरिजिनल लेना है दोस्तों, और उसके साथ अगर आपको SC ST में कैटेगरी में आते हैं तो आपको SC ST की जो आपको कैस्ट सर्टिफिकेट हो वो आप ओरिजिनल ले सकते हो, और उसके 2 जेरेक्स आपको ले सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों SC ST के लिए। और दोस्तों अगर आपका आपका जो डिस्टेंस जो जहाँ पर से आप जर्नी स्टार्ट करते हो, अगर आप 30 किलोमीटर अंडर में आते हैं या फिर 30 किलोमीटर में ज़्यादा होता है तो आपका दोस्तों जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है वो दोस्तों कोस्ट गार्ड आपको रिटर्न करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जितना भी खर्च हुआ ट्रैवल करते वक्त तो वो दोस्तों रिफंड करेगा इंडियन कोस्ट गार्ड। तो आप वो ऑफिशियल साइट एक फॉर्म मिलता है वो आप डाउनलोड करके वो खिलाफ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये काफ़ी फायदा है आपके लिए, आप बेफिक्र हो कि अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए और आपका बेस्ट दीजिए दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की एग्जाम, और आपका जो सिलेक्शन है वो पक्की कीजिए।